तो सबसे पहले इसके अंदर वेक्टर्स के अंदर देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है सबको मालूम है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है। फिर हमने क्या किया था कि जैसे मान लो एक वेक्टर है जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जैसे ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये इसका पोजीशन वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ए पॉइंट का ए वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस माइनस के कैप, और इसका क्या होगा, थ्री आई कैप टू जे कैप टू के कैप। तो ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर आ गया यहाँ से पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ट्राइंगल लॉ लगेगा, ये इसका रिजल्टेंट है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। यहाँ से ए बी वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे आप सिंपली एक शॉर्टकट याद रखें, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो आपके पास ये ए बी वेक्टर आएगा। तो जैसे यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर निकाला जाए, तो अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर, तो एक काम करते हैं, एक यूनिट वेक्टर होता क्या है, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यूनिट वेक्टर आएगा आंसर। नेक्स्ट आपने क्या करना है इसमें, आपको इसमें निकालना है कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कैसे, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इसको ऐसे लिखते हैं, आगे यहाँ पे होगा फाइंडिंग कॉम्पोनेंट, ये सिखा देता हूँ। ये आ जाता है पेपर में कि मान लो आपके पास कोई भी ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास कोई ए वेक्टर है जिसकी वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और आप क्या करना चाहते हैं, आप बी वेक्टर है, मान लो बी वेक्टर है आई कैप, इसका एक कॉम्पोनेंट निकालना चाहते हैं बी वेक्टर पे। कॉम्पोनेंट निकालने के लिए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसका कॉम्पोनेंट, जो कि क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो मुझे पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ए कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, विच विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी। तो ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ से ए कॉस थीटा कॉम्पोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे निकलेगा कॉम्पोनेंट, क्लियर है सबको? तो एक तरीका है, एक मेथड है हाउ टू कैलकुलेट कॉम्पोनेंट का, ये हमने किया भी था, कॉम्पोनेंट्स निकालने का तरीका। फिर इसके अंदर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट सबको निकालना आता है, आई डॉट आई वन है, जे डॉट जे वन है, आई डॉट जे जीरो है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, बस इसमें यही मेन है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर और किसी भी दो वेक्टर्स में अगर एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है, ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा से। इसके अंदर जो नेक्स्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आपको सबको आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का ये तरीका था, ए वेक्टर बी वेक्टर है तो आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ए वेक्टर का कोफिशियंट लिखेंगे, बी वेक्टर का कोफिशियंट लिखेंगे और फिर आई कैप और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस जे कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस के कैप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सॉल्व करके एक क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो ये चीजें हमने की थी वेक्टर के अंदर। वेक्टर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम काइनेमेटिक्स तो किया था, काइनेमेटिक्स के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन वेक्टर में आए हुए हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन,
डी है, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, नेट वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो आंसर, तो ये आंसर आ जाएगा डी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है, में से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? टू जे कैप, टू जे कैप। तो यहां से बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस टू जे कैप। ए वेक्टर तो है ही आपके पास, तो आपको जो भी नया वेक्टर आएगा उसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना आता है आपको आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का। क्या आंसर आ रहा है? पहले बी वेक्टर निकाल लें, फिर मैग्नीट्यूड निकाल लें। कुछ किया है क्या? गलत किया मैंने? वेक्टर ए वेक्टर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी वेक्टर, ठीक किया मैंने? बी वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास टू जे कैप आएगा, ठीक है? तो बी वेक्टर में से करेंगे तो क्या आ रहा है? ये आंसर आ रहा है क्या आपका? ऐड करने के बाद चेक करें, ठीक है? इसका मैग्नेट, ओ अच्छा, क्वेश्चन ड्रॉप फ्रॉम एन टी ए, यानी कि इसका ऑप्शन सही नहीं बैठा होगा तो उन्होंने उड़ा दिया होगा, ठीक है, सही है, ठीक है, मेथड क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, क्या आंसर है? देखो टू है, देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स है, ये वाई है, और एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर है। ए वेक्टर ने 30 डिग्री बनाया वाई एक्सिस के साथ, तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट इज 2√3, तो ये कॉम्पोनेंट होगा क्या? ए इंटू कॉस ऑफ 30, इसकी वैल्यू कितनी है? 2√3। तो 2√3 इज इक्वल टू ए इंटू √3/2, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? 4, a 4 आ गया। आपको ये कंपोनेंट निकालना है तो क्या आएगा? 4 into sin of कितना? 30, sin 30 क्या होता है? हाफ, तो आंसर क्या आएगा? 2, c ऑप्शन है। तो वेक्टर के बड़े बेसिक क्वेश्चन है, तो ठीक है यहां तक, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक वेक्टर p वेक्टर है, एक वेक्टर q वेक्टर है, परपेंडिकुलर है, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो जब आप ऐसा करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी ए और बी में आ जाएगी, और एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन है ए और बी में, फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। जब ए और बी आएगा उसको उठा के पुट कर देंगे, रेशो निकालेंगे, रेशो और रेशो को कंपेयर करेंगे एक्स बाई टू से, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। ये तो आप दो ही क्वेश्चन बना के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, कर लेना ट्राई, आपके बुक पड़ी हुई है अपनी अपनी, मैं तो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने अपनी किताब में से ही करनी है। इसका आंसर निकाल लें, ये आंसर निकाल लें, ये ट्राई करें एक बार, क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्राई करें, सॉल्व करें।
आंसर टू है नहीं फोर है, तो आपको पी वेक्टर गिवन है, क्यू वेक्टर गिवन है, कह रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। पहले एक काम करो, आप पी क्रॉस क्यू निकालो, तो आप मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे, चेक करो क्या आपका पी क्रॉस क्यू ये आया, चेक करो प्लीज, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर निकाल लोगे, आपको इसका अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर होगा अ वेक्टर, सीधा ये देख लें, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि ये आएगा, आपको डिनोमिनेटर पूछा हुआ है, टू नहीं है, टू इंटू टू क्या हो गया फोर, यहां से फोर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा पी क्रॉस क्यू का, पहले पी क्रॉस क्यू का एक नया वेक्टर निकलेगा, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकलेगा, उस यूनिट वेक्टर में अ वेक्टर जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये फोर इसलिए आया कि 0.5 को हाफ लिख सकते हैं हम, तो ये देखो ना ये 2√3 बन जाएगा, फिर यहां से 2 into 2 4, यहां से एंड में कंफ्यूजन क्रिएट की थोड़ी सी, बट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है। नेक्स्ट क्या आंसर होगा, क्या करना है इसमें, एक वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वेक्टर बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 2i cap + 3j cap - k cap, और एक बी वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, i cap + 2j cap + 2k cap, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो मैग्नीट्यूड मान लो ये एंगल थीटा है, तो कंपोनेंट क्या होगा, ए cos थीटा। अब a cos थीटा निकलता कैसे था, बताया था a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b, क्योंकि a b cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है, आपको a वेक्टर पता है, आपको b वेक्टर पता है, न्यूमिनेटर आ जाएगा, b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डिवाइड करके आंसर 2 आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कंपोनेंट निकलेगा कैसे a cos थीटा, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, तो ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन करने से पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी और वो है प्रोजेक्टाइल। देखो प्रोजेक्टाइल में 2-4 फॉर्मूला था जो आपने नोट करने हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहली चीज, प्रोजेक्टाइल के अंदर अगर एक किसी भी बॉडी को हम टॉप ऑफ बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल फेंकें तो वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 10 10 10 10 विल रिमेन सेम, और वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियली जीरो है, फिर इंक्रीज 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 और इंक्रीज, तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, हॉरिजॉन्टल विल रिमेन सेम। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करें तो ग्राउंड टू ग्राउंड में इसकी वेलोसिटी 10 है और ये एंगल क्या है 60 है, तो कॉम्पोनेंट क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट विल रिमेन सेम, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट में कोई चेंज है ही नहीं, वर्टिकल कॉम्पोनेंट ये रहा, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज 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 और जीरो, फिर इंक्रीज 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 और इंक्रीज, तो वर्टिकल कंपोनेंट में क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो कम होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, और फिर इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, पर हॉरिजॉन्टल में जो शुरू में था बाद में वही रहेगा। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट टॉप मोस्ट पॉइंट, आंसर क्या होगा, नहीं होगा जीरो, क्या होगा 10 cos 60, हॉरिजॉन्टल तो होगा भाई, वर्टिकल नहीं होगा, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल अभी भी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जीरो नहीं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ एम 10 cos 60 का स्क्वायर, तो जीरो नहीं बोलना आपने, तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है इसमें, जब एक प्रोजेक्टाइल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से स्ट्रेट गिरा जाता है तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, आपको दो किस्म की इक्वेशन यूज करनी है, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में
इसको यू से फेंका तो यू 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 विल रिमेन सेम। वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट वाई है, एक्स में एक्स है। वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्स में नहीं है। तो वाई एक्सिस में क्या अप्लाई करेंगे, एक्स में क्या अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि जब एक्स में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, यू कैन अप्लाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी, तो एक्स इज इक्वल टू यू टी में टाइम आएगा। और वाई एक्सिस में क्या इक्वेशन लगाएंगे, जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, टाइम की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करके वाई की वैल्यू आएगी। फॉर्मूला नहीं याद करना, ट्रिक याद करनी है कि वाई में क्या लगेगा और एक्स में क्या लगेगा, ये पहला पॉइंट है। पर अगर आपकी प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि हाइट 490 मीटर से एक प्रोजेक्टाइल को 15 मीटर से सीधा फेंका गया हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल यहाँ के गिरेगा, एक्स की वैल्यू क्या है, आपको अगर डिस्टेंस एक्स में निकालना है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वी टी। टाइम निकालने, वाई एक्सिस में टाइम निकालने का तरीका 490 इज जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम आ जाएगा। फिर आप एक्स एक्सिस में अप्लाई करें एक्स इज इक्वल टू वी टी, तो वी टी से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एक तरीका है। फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जब ये नीचे हिट करेगा तो ये वी वेलोसिटी से हिट करेगा, इस वी की वैल्यू निकालनी चाहिए, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल जमीन को हिट करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस वी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल रिमेन सेम 15 15 15 एंड 15। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, वी वाई, वी वाई की वैल्यू क्या है, ये जीरो, इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है या टोटल वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो वेक्टर सम करना होगा वी एक्स का और वी वाई का, वेक्टर सम ये रहा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज होती नहीं है, 15 रहेगी। वी वाई की वैल्यू क्या होगी, यहां और यहां मिलाते हुए वी वाई इज इक्वल टू जीरो प्लस जी इंटू टी। तो जी पता है, टाइम आप निकाल लेना, टाइम कैसे निकलेगा, टाइम के लिए वाई एक्सिस में आपने ऊपर लगाया था एस इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम तो आ चुका है आपके पास। तो आप वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में वी वाई निकाल लें, वी वाई आ गया, वी एक्स तो सेम ही रहेगा, नेट वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो नेट वेलोसिटी के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, वी एक्स और वी वाई, वी एक्स का तो चक्कर ही नहीं है, वी वाई के लिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से वी वाई आएगा। तो मेथड क्लियर है यहाँ तो कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो उसके बाद अगली टाइप की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे बॉल को प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ गया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और हॉरिजॉन्टल वी कॉस थीटा। तो पहला फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का नोट कर लें, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला एच एम है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। पहला फॉर्मूला नोट कर लें, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट टी वन, टाइम ऑफ एसेंट है वी साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट टी टू का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम है, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम है, वी साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट सेम है, टी वन टी टू बराबर है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, दोनों का सम, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जो कि क्या है, टू वी साइन थीटा बाई जी, ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टू वी साइन थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो गया, टाइम ऑफ असेंट का हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट का हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हो गया। नेक्स्ट है रेंज, रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम रेंज कब होगी, मैक्सिमम रेंज होगी जब एंगल थीटा क्या होगा 45 डिग्री। तो याद रखना है, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बन जाएगा v स्क्वायर बाय g, क्योंकि साइन ऑफ एंगल क्या हो जाएगा 91। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला v स्क्वायर बाय g, रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, ठीक है यहां तक। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक,
ठीक, नेक्स्ट है रेंज रिमेन सेम, रेंज जो है वो सेम होती है अगर एंगल थीटा या 90 माइनस थीटा हो। तो जैसे आपने बॉल को 60 डिग्री पे फेंका, आपने बॉल को 60 डिग्री पे फेंका सम वेलोसिटी यू के साथ और बॉल को 30 डिग्री पे फेंका, तो रेंज सेम रहेगी क्योंकि एंगल या 60 हो 90 माइनस 60 हो 30, तो रेंज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा प्रोवाइडेड वेलोसिटी दोनों की सेम। ठीक है, यहाँ तक ये रिजल्ट है। फिर नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जब प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, ये नोट करें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स और वाई का ये रिलेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये रही, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्लियर है। इसको मॉडिफाई अगर किया जाए तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये भी है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, दोनों है, दोनों में से कोई भी काम आएगी, दोनों नोट कर लें। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है जो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू का रिलेशन बताती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट है। अगर प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे फेंका जाए, जैसे कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल फेंका जा रहा है यू वेलोसिटी के साथ, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है बीटा और प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के साथ फेंका जा रहा है थीटा, तो इंक्लाइन के साथ एंगल क्या बनेगा, थीटा माइनस बीटा। तो प्लीज़ आप ये एक फॉर्मूला नोट करें, ये नोट करें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो ये जैसे इंक्लाइन प्लेन है, ये ऐसा इसके साथ ना ये डायग्राम जरूर नोट करें, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है बीटा, आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका और प्रोजेक्टाइल के फेंका एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो प्रोजेक्टाइल जब यहाँ गिरेगा ये डायग्राम के साथ थीटा बीटा पता होना चाहिए, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नोट करें। पेपर इंक्लाइन प्लेन पे आता नहीं है वैसे, पर अगर ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला मार्क करने को आ जाए, मैंने देखा है फॉर्मूला मार्क करने को आता है, तो ये कम से कम फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है, अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये बॉडी गिरती है, प्रूफ नहीं करना, बीटा ये एंगल है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल बीटा है, तो इसमें ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लैक कलर का ये इंक्लाइन प्लेन है, ये ग्राउंड है। ठीक है, मैं तभी कह रहा हूं थीटा बीटा को ध्यान से देख लें, किसके साथ थीटा किसके साथ बीटा। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्लियर है। तो इंक्लाइन प्लेन पे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, इंक्लाइन प्लेन पे रेंज भी तो होती होगी, ये देखो ये डिस्टेंस क्या है, रेंज है, ये देखो ये डिस्टेंस क्या होगा इंक्लाइन प्लेन की, रेंज है। तो अगला फॉर्मूला मैं रेंज का लिखवाने वाला हूं, याद है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का फॉर्मूला नोट करें प्लीज, ये रेंज का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधा फॉर्मूला मार्क करने को आ जाए, तो बस ये रेंज का फॉर्मूला है, ये याद रखना। और ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है, ये भी मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव में, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। तो दोनों नोट कर लें, रेंज का फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, दोनों नोट करें, एक रेंज का फॉर्मूला एक मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला।
ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये डायग्राम नोट करें, अगर मान लो इंक्लाइन का एंगल बीटा है और इस बार प्रोजेक्टाइल को ऊपर से नीचे गिरना है इंक्लाइन पे, पहले नीचे से ऊपर अब ऊपर से नीचे, और ये बीटा तो अल्टरनेट से ये भी बीटा, और इस लाइन से एंगल क्या है थीटा, तो टोटल एंगल क्या है थीटा प्लस बीटा। तो अगर ये डायग्राम बनता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला नोट करें, रेंज का ये नोट करें और मैक्सिमम रेंज का ये नोट करें, तीनों नोट करें। अगर सीधा मार्क करने को आ जाए, बस इसलिए है न्यूमेरिकल तो नहीं आता इसके ऊपर, तो सीधा मार्क करने को आ सकता है रिजल्ट। तो क्लियर है, तो ये सारे फॉर्मूलाज नोट कर लें। वैसे प्रोबेबिलिटी इनकी आने की तो कम है इंक्लाइन प्लेन की, पर सीधा मार्क करने को जब मार्क कर दें, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं।
देखो क्वेश्चन है, एनसीसी परेड चल रही है और कोई यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आर पे चल रही है, अंडर मैंगो ट्री चल रही है, आम के पेड़ कहीं चल रही है, ऊपर बैठा है बंदर एट हाइट ऑफ 19.6, वो आम तोड़ता है, दी मंकी ड्रॉप्स अ मैंगो, कैडेट जो रिसीव करेगा उस मैंगो को वो कितनी दूरी पे होगा? कैडेट तो परेड करते हुए ऐसे जा रहे हैं बस, समझो ये जा रहे हैं, अब जो तो मंकी के बिल्कुल नीचे बैठा है वो तो आगे खिसक जाएगा, जो बहुत पीछे है वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, कोई तो बंदा है जिसके हाथ में वो आम गिरेगा, तो वो डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया? तो आम कितने टाइम में गिरेगा, कैडेट उतने टाइम में वहां पहुंचेगा, टाइम दोनों का क्या होना चाहिए? सेम। तो वाई एक्सिस में आम कितनी देर में गिरेगा, तो वाई एक्सिस में 19.6, वाई इज इक्वल टू 0 प्लस जीटी स्क्वायर, 2 सेकंड में आम गिरेगा, और कैडेट की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो जो मूव कर रहा है तो एस इज इक्वल टू वीटी, वेलोसिटी आपको पता है उसकी 9 किलोमीटर पर आ रहा है, और टाइम आपको पता है यहां से 5 मीटर वाला दूर जो कैडेट है उसको कैच कर लेगा, क्योंकि कैडेट के लिए एस इज इक्वल टू वीटी और टाइम वही पुट करेंगे जो मैंगो का गिरने का टाइम है। तो समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन वाई में, एक इक्वेशन एक्स में, एक्स में इक्वेशन एस इज इक्वल टू वीटी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई में एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT square, इसको बोलते हैं motion in XY plane, Y और X का combination है। Next, तो इसका आंसर है ए है। तो प्रोजेक्टाइल्स हैं दो 40 और 60 मीटर पर सेकंड से फेंकी जा रही हैं, एंगल 30 एंड 60, तो रेंज की रेशियो निकालनी है। मैंने एक शॉर्टकट करवाया था, अगर एंगल 30 है, ये 90 माइनस 30 यानी कि 60 है, तो रेंज की वैल्यू रिमेंस सेम। इसका आंसर 1:1 में तो हो सकता था, क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीड दोनों की डिफरेंट है, जानबूझ के एंगल ऐसे डाले गए ताकि लोग 1:1 कर दें, तो इसकी स्पीड क्योंकि डिफरेंट है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉपर रेंज का, वी स्क्वायर साइन 2θg, तो यहाँ पर एंगल आपको पता है एक में एंगल 30 है, एक में 60 है, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वेलोसिटी के साथ और रेशियो आएगी आंसर 4:9। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? वो शॉर्टकट नहीं लगेगा आपको, रेंज के दो फॉर्मूला लगा के दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। जैसे ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के साथ कंपेयर करो आंसर आएगा। आंसर है डी है 5। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी लिखो, कंपेयर करो। क्या क्वेश्चन है? ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इसके इक्वल है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ये रही, आप इन दोनों को कंपेयर करें, तो इसमें एक्स का कोफिशियंट क्या है 1,
इसमें x का कोफिशियंट क्या है, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा आ गया कितना 45, एंगल आ गया। फिर आप इसे और इसे इक्वेट करें, x square से x square कैंसिल, सॉल्व करके क्या आएगा u square, तो u square की वैल्यू सॉल्व करके 200 आ जाएगी। कंपैरिजन आपने करना है, तो एक tan थीटा से थीटा आएगा, u square आ गया। आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u square sin square थीटा by 2g। अब एंगल आप निकाल चुके हैं 45, u square आप निकाल चुके हैं 200, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन से दो चीजें निकलेंगी, एक तो थीटा निकलेगा और एक u square निकलेगा, उसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है मैक्सिमम हाइट का आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, आप सबको सब आता है, प्रैक्टिस की जरूरत है सर, प्रैक्टिस। 10-15 क्वेश्चन को तो अपने हाथ से पुराने प्रीवियस ईयर के हो जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बी लग रहा है, बी है। तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी अगर सेम है और एंगल 45 है तो रेंज क्या है, तो भाई रेंज के दो फॉर्मूले लिख लो ना। पहले फॉर्मूले में रेंज 50 के बने जब एंगल 15 है, तो साइन इंटू 2 इंटू 15 30 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे केस में रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 45 90 बाई जी, इन दोनों को डिवाइड करके आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, आपने एक चीज नोट की, पूरा प्रोजेक्टाइल है ही फॉर्मूला बेस्ड आया हुआ। ठीक, नेक्स्ट है। जाओगे बी है, राइट। तो इसमें टू प्रोजेक्टर्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 एंड 60, एंगल आपको गिवन है और सेम स्पीड यू सेम, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू प्रोजेक्टाइल क्या होगी, तो फर्क कहाँ पड़ रहा है, साइन स्क्वायर में तो पड़ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो मैक्सिमम हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा वन थीटा टू, पता यहाँ से आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, नेक्स्ट। नहीं, ये नहीं करना, फोर्स का क्वेश्चन है, नेक्स्ट। बी ऑप्शन है। तो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल स्पीड ऑफ 40। तो एक प्रोजेक्टाइल है 40 मीटर पर सेकेंड से उसको प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल ऑफ कितना 30 डिग्री, तो वो 2 सेकेंड के बाद आपको बताना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब मुझे नहीं पता कि 2 सेकेंड पे वो पहले हाफ में होगा या सेकेंड हाफ में होगा, इसके लिए निकालते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जो कि क्या होता है वी साइन थीटा बाई जी। तो v की वैल्यू कितनी है 40, साइन ऑफ कितना 30 जो कि हाफ है, डिवाइडेड बाय g जो कि क्या आ गया एग्जैक्ट 2 सेकंड आ गया। इसका मतलब ठीक 2 सेकंड पे ये प्रोजेक्टाइल कहां पर होगा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है 0, हॉरिजॉन्टल क्या होगी 40 इंटू कॉस ऑफ कितना 30, क्योंकि यहां पर हॉरिजॉन्टल की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो 40 इंटू कॉस ऑफ 30 इज द आंसर, मार्क कर लेना 40 इंटू रूट 3 बाय 2 20√3। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ये प्रोजेक्टर का क्वेश्चन सेम है, वही 40 मीटर पर सेकंड है और ये 30 डिग्री है, आपको बताना है कि 1 सेकंड के ऊपर, क्योंकि 2 सेकंड के ऊपर तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होने वाला है,
आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालनी है। तब क्या करेंगे, आपको ये पता है कि इसकी ये वेलोसिटी x की वेलोसिटी क्या है, 40 इंटू कॉस ऑफ 30 जो हमेशा सेम रहेगी, तो यहां पर वैल्यू कितनी है 40 इंटू कॉस ऑफ कितनी 30, ये वैल्यू है। वर्टिकल वेलोसिटी अगर मैं आपको निकाल दूं vy, तो आपको vx पता लग गया, यहां का vy पता लग गया, तो नेट वेलोसिटी क्या आएगी अंडर रूट ऑफ क्या vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो vy निकाल लें, vy निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी 40 इंटू साइन ऑफ क्या आएगा, यहां पर 40 इंटू साइन ऑफ कितना 30। तो आप y एक्सिस में क्या लगाएंगे, vy इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है 40 इंटू साइन ऑफ 30 प्लस माइनस 10 इंटू 1 टाइम 1 सेकंड पे, तो vy आएगा, vy आएगा तो यहां पुट करके v की वैल्यू आएगी। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा बट करना कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि vx में तो कोई चेंज आता नहीं, vy v इज इक्वल टू u प्लस 80 से निकलेगा, तो vy आ गया, vx पता है, तो फिर अंडर रूट से आंसर आएगा पैलोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको यहाँ तक, खैर उसने जानबूझ के 2 सेकंड दिया क्योंकि लंबा हो रहा था क्वेश्चन, तो उसने हाईएस्ट पॉइंट भी पूछ लिया, उल्टा आसान क्वेश्चन दिया उसने। नेक्स्ट आंसर 2 2 7 मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज 136, मैक्सिमम हाइट तो गिवन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g 136 है, तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट कब आएगी, जब आप उसको कैसे फेंकोगे ऊपर, बिल्कुल ऊपर फेंकना है,
ऐसे क्यों फेंकोगे, ऐसे फेंकोगे तो थीटा क्या होगा 90, साइन 90 क्या है 1, तो यहाँ से क्या आ गया यू स्क्वायर बाई 2g आ गया। और मैक्सिमम रेंज भी क्या होती है, मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई 2g 136 है, यू स्क्वायर बी जी क्या आएगा 136 into 2 यानी कि 272। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?